बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब नहायती काबिल एहतराम वाइस महबूब अहमद साहिब, आज इस पुरवकार महफिल के मेज़बान चौधरी सज्जाद वड़ैच साहिब, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट जनाब जफर इकबाल वड़ैच साहिब, डॉक्टर तालूत बाजवा साहिब, मैस अकमल वरन साहिब, हसनैन जफर वड़ैच साहेब, हमारे MPA युधिष्ठिर चौहान, अहमद आमिर मुख्तियार साहेब, आसिफ रशीद साहेब, राना मसूद साहेब, उस्मान धुकड़ साहब जो कनाडा से तशरीफ़ लाए हैं, PTI तहरीक इंसाफ के राव अताउर रहमान, राजा सलीम और चौधरी आमिर तकी साहेब, खवातीन हजरात, नौजवानों, भरावों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है चौधरी सज्जाद साहब की इस पुरवकार तकरीब में शामिल होके। मैं इस बात से बाखूबी वाकिफ हूँ, इसादकाबाद की आवाम किस तरह महसूस करती होगी, क्योंकि जब मैंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने जब मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी, तो पहले 100 दिन के अंदर जब मैंने हिसाब किताब निकाला तो जरा टेल वाला हिसाब होंगे ना, आवाज आती पे सारे मैं हिसाब कटिया तो पता चलिया जनूबी पंजाब का हाल टेल वाला हाल आवे, दिखेदे कुछ हन फंड मिलता कुछ आ। 70 साल मुल्की तारीख सिर्फ 7 साल का हिसाब कट दे तो दसेदा, 7 साल का हिसाब यह है कि असादे ही वसेब दे 265 अरब दिखे गए तो लाते नहीं गए, उबे पासे चवीज गए। उन्हें बाद वाला जिला रहीम यारा वनो वो असाडे जनूबी पंजाब की टेल पढ़ दे, बोला तू सागर नहीं बना तो मैं क्या हाल आखा, तू सागर रहीम यार खान दी भी टेल पढ़ दो। ते ए एहसास जेरा है, ए अगर कहीं कयादत को थे, अगर कोई जमात ही को अपने फलसफे दा हिस्सा बढ़ाए ते ओ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात है। पाकिस्तान का ये देखो पूरा इंसाफ यूथ भी इमरान खान जिंदाबाद, कदूम साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद वड़ैच जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। पहले
देवान कनो पहले मैं आखिर घिनना डाला हाल ही तो अबू डेड बैठा ना कितनों घिनसूं ते देसूं अगी ते घिनना डाला हाल ये है कि ये ओ वाहिद हकुमते जेरी कानून ची शेक पा दिती है इसके असा होण साडी आबादी कोनो घाट कोई ना दे सकसे वे असा अपना हिस्सा फंड दे लिहाज नाल शेक पा दिती है से कि जितना लिखे सो उतना ही दे सो ते इंशाल्लाह ओ हेतरी जे हिस्से कोनो ज्यादा हो से हमेशा हमेशा वास्ते होने काम थी ए एहसास महरूमी अब 70 साल दी मैं रूम में जरा दूर थे बड़ बेदार पे मगर हिंदे अल्लाह ताला दा मेहरबानी है मेरे रब ताला दी कि इतना कठिन सफर शुरू किया से हर शय जे को हाथ लो सीधी खादी पी है जे शय को देखो खराब महंगाई दी गाली करे देन कहीं पूछो तो सही तुम यह दाल 70 साल थी गए ना ऑस्ट्रेलिया को मंगवे दे बैठो वारी वारी गिन दे बैठो हुकूमत कड़ी कोशिश कितनी है वे कि दाल ही आप खुद रहा गिनो और दाल ही जेरी खम सो शाम को बनते ओ ऑस्ट्रेलिया को हमसे तो कैसे महंगाई थी कड़ी है वो मियाँ कहीं पे दे रेट दे घिनसो तो वो अपने हिसाब नाल विचे से आखण का मकसद ये है कि जे हिसाब नाल मेरे को खजाना मिलया ओ अल्लाह ताला दी मेहरबानी है कि आज मैं फखर ना लाग सकता कि उत्थों कोनो घंटे आज तक दा जरा सफर है पंजाब दी तारीख दा सब कोनो वड्डा तरक्कियाती पैकेज रही इंदे च वड्डे इज्तिमाई काम ही शामिल है मैं होले होले आस्ता आस्ता सुरदा हमदा और साथ का बात करने शुरू थिया तो आले जनूबी पंजाब कोनो रही में आते ऐसे और साथ का बात वास्ते गाल करे सु मैं को इतना दी महरूमी दा एहसास है तुसा आपा अगर सोच बदलनी है ना वला है काम करना पम से तो काम है कि सादका बात को आपा टेल समझण दी बजाय समझो के पंजाब दा आगाज इत्थों थींदे जदा ए सोच रखे सो ना जरा फलसफा ये हो से कि यार बलोचिस्तान आला आवे सिंध आला आवे पहली दीद पंजाब ते पम दिए ते पहले ते सब को पहले ही तहसील ते पम दिए ए इहो चंगी लग से ते बाकी को अगली जा पसंद हम ए सोच होनी चाहिए है ए साडे तोडे अगवाने दा काम हा कि ही सोच दी अकासी करे देवे फंड्स गिनते आवे ना इथा दी तरक्की वास्ते ए सोच को फरोग दे सू मैं रैस महबूब साहब होमन रैस अकमल साहब होमन चौधरी सजाद साहब होमन असा साथ का बाद में जरा हाल अवाल कितन से क्योंकि बजट को पहले टाइम घटा शहर दी हद तक ते असा कुछ चंगा हाँ झल करा गिदे से 55 करोड़ दे शहर ते उन्दे गिरदो नवाद दे मंसूबात दा ऐलान ही थी गे इंदे इतवाला हेल्थ सेंटर ही बेहतरीन थी से THQ हाल ही यकीन मनो चासनी यही में कुल तहसील तो अड़ा हेडक्वार्टर देखते हैं आप इंशाल्लाह एक बेहतरीन हेडक्वार्टर बड़े सू ते एक उधार खड़ी है वे वो है कि तुम्हारी पूरी तहसील दे जरे बाकी काम मिलना उन्हें वास्ते ऐसा मशावरत करते रैस साहब भी तशरीफ फरमाए बाकी दोस्ती बैठे अकमल वरिंद साहब बैठे साले मन जुड़ा ही बैठा है बाकी साहबान बैठे चॉइस साहब बैठे आमिर मुख्तार साहब बैठे असा कट्ठे थी ते मशावरत करते जल्द अज जल्द एक एजा जामे प्रोग्राम घिनते हम छू के ही तहसील दी भी कुछ शक्ल होन बेहतरी दी तरफ रागे से इंशाअल्लाह मिन फजल रब्बी हाशिम जो वापस जिंदाबाद हाशिम जो वापस जिंदाबाद।
हाशिम साहब, हाशिम साहब, बड़े लोगे सवाल कर रहे हैं। मैं चोलिस्तानी वेदा प्रोग्राम का हेड फरीद की रोटी ठीक कराई है, आज आपने आया खड़ा। अल्लाह के फजल नाल खान कौर रहीम यार खान तहसील कुनो मेरे दोस्त मेरे नाल है। ओ खेदन सिंह, तुसा पूरे जिले कम दी क्यों सोच रखे? मैं ही सोच नहीं तो कोई दस दवा काशी क्या है बड़े मखदूम सर खुसरो बख्तियार सिंह। अबा ये असाकू अजकल जेरा कुछ मिलिया होया है, ये रब ताला जेरा चीज जिम्मेदारी असाकू दिती है, ये हुंदा फैज है, हुंदा वंड है, जेरा सारे दे हिस्से चावना चाहिए। ए रब ताला दी मेहरबानी है, आज अगर तुहाडे इलाके को ए नुमाइंदगी मिली है, तुहाडे जिले दे नू वजीर हैं वे ते वला वल्दी ते बढ़दी है, असही तो आपको हमेशा यकीन दिहानी दिवेसू कि ना भावे चोलिस्तान होवे, लियाकतपुर होवे, कोट सबजल होवे, रहीम यार खान होवे, खानपुर होवे, जिवें खेदन ना अब गोड़ दी केरी केरा पासा जेरा कौड़ा है कोई कह नहीं। इवें ना मेरी आखिज कड़ी फरकम से, ना मखदूम खुसरो बख्तियार सही दी आखिज कड़ी। मैं कल मैंने लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग की है और डेवलपमेंट की मीटिंग की है, सजाद साहब थे, डॉक्टर तालूद बाजवा साहब थे, बाकी साहबान थे। इसका पहला एडमिनिस्ट्रेटिव अमल तो शुरू हो गया है आपकी बाइफर्केशन का, यहाँ पे डबल फोर्स के साथ हम काम शुरू करेंगे। यहाँ के इलाकों के बड़े ख़ानदानों का, आप अगवानों का बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इसको जब हम एंटर करें, ये हमारा जब पंजाब एंटर हो रहा हो तो ये आपका ज़िला एक गुड गवर्नेंस की पहचान, उसके लिए ये जो सिलसिला शुरू हुआ है इसके लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने का, इसके हम नताइज मुझे उम्मीद है कि जल्द अज जल्द नज़र आना शुरू होंगे। और आप सब साहिबान से गुजारिश यही है कि जिस तरह इस मसले को उजागर करते आए हैं, अब यकीन माने ये ऐवान में हो या चीफ मिनिस्टर ऑफिस के ऐवान में हो, ये बहुत बड़ी प्रायोरिटी है इस वक्त हुकूमत पंजाब की कि हमने ज़िला रहीम यार खान में ख़ास तौर पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर कर दिया। आप सबसे ये गुजारिश है कि ये इस वोट की पर्ची की कीमत को समझें, इसके वजन को समझें, इसको जाया ना करें। ये बहुत अरसे से इस इलाके में लोग खोखले नारे लगाते आए हैं, उनको वोट दें जो आपका काम करें, उनको वोट दें जो आपकी बात की तर्जुमानी करें, उनको वोट दें जो जाके आपके पाकिस्तान। मैं यकीन से कह सकता हूं आपको, अगर कोई इस मुल्क के अंदर और खास तौर पे इस खित्ते के अंदर कोई बेहतरी लाएगा तो वो इंशाअल्लाह इमरान खान होगा। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ होगी। और आखिर में मैं एक आपको और भी बात बताता चलूं कि डेवलपमेंट तो इंशाअल्लाह होगी होगी, अगला मरहला है हमने जिस तरह अपना डेवलपमेंट में हिस्सा लिया, इस तरह अब सरकारी नौकरियों में भी जनूबी पंजाब का एक अपना हिस्सा होगा। यही का बैठा हुआ
अल्लाह मुझे इंशाअल्लाह, मैं उम्मीद करता हूँ कि एक दिन कुछ अरसे बाद मुझे एक नौजवान यहाँ से ज़रूर मिलेगा जो मुझे आके कहेगा कि जनाब जो आपने बात की थी उसके बाद आज मैं रहीम यार खान से असिस्टेंट कमिश्नर भर्ती हुआ। ये सिलसिला मेल मुलाकात का जारी रहेगा। पीटीआई का गढ़ इंशाअल्लाह सादकाबाद है और आने वाले दिनों में हम इसको और भी फरोग देंगे। यहाँ के हमारे सियासी लीडर और पुराने घराने बहुत इज्जत व वकार रखते हैं। रईस साहब का ताल्लुक भूम से है, बहुत पुराना घराना है। चौधरी सजाद साहब, तालूत बाजवा साहब इतने अरसे से यहाँ पे आपकी खिदमत कर रहे हैं। ये सब लोग यकीन माने बड़े नेक नियति से आपकी तर्जुमानी करते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह इनके साथ मैं भी इनकी आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाऊंगा। हर ऐवान में हम आपकी तर्जुमानी करेंगे और इंशाअल्लाह आपकी बेहतरी के लिए फैसले करेंगे। बहुत मेहरबानी। बस सर आपके लिए।